बहुत बढ़िया लगा. जैसे मैंने कहा स्टेज पे, एवरीथिंग क्रिएटिव इज एक्चुअली समथिंग विच एक्साइट्स एन आर्टिस्ट एंड आई थॉट द फिल्म्स वर ब्यूटीफुल. और इसकी ये थी कि मैं बंगाली सम ऑफ देम डिडंट हैव सबटाइटल्स और मैं बांग्ला समझ, लेकिन एक्सप्रेशन आपने मतलब जस्ट फ्रॉम द थीम, आई लव द थीम्स, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स थे बहुत खूबसूरत और बहुत कम टाइम में बहुत कुछ बोला और बहुत मतलब इमेजिनेटिवली छोटे बजट्स में बनाया. सो आई एंजॉयड इट थॉरली, आई एम वेरी हैप्पी आई वाज पुश्ड मैम बी ऑन द जूरी. मूवीज़ के साथ आप जुड़ी हुई हैं, थिएटर के साथ जुड़ी हुई हैं, शॉर्ट फिल्म की जगह हम बातें करते हैं, कितना टफ होता है क्योंकि इतना कुछ, इतना कम समय में इतना कुछ दिखाना कितना कितना टफ होता है. ये लाइट हम कुछ कर सकते हैं जी? हाँ, वो लाइट बहुत खराब है. सॉरी, शॉर्ट फिल्म बनाना कितना टफ है, कितना चैलेंजिंग है? बहुत मुश्किल है. एक तो उसके लिए कुछ पैसे नहीं है, कुछ आप अपने पॉकेट से खर्च करते हैं. और दूसरी बात बहुत ज़रूरी कि आपको मालूम नहीं कोई कौन देखेगा, ये इसका प्लेटफॉर्म कौन सा होगा. तो इतनी मेहनत करने के बाद, पैसे लगाने के बाद कहाँ देखी जाएगी ये फिल्म. बहुत हिम्मत चाहिए पॉकेट में नहीं, दिल में भी, ऐसी फिल्मों को बनाने में. उसके बाद बहुत कम वक्त में आपको अपनी कहानी बहुत जल्द बतानी है. सो ये जैसे मैंने कहा था, जैसे छोटी शॉर्ट स्टोरी होती है वो एक नॉवल से कहीं ज़्यादा मुश्किल है लिखनी. सो शॉर्ट फिल्म भी, और आजकल के ज़माने में इसका स्कोप बहुत है कि सबका अटेंशन स्पैन इतना सा हो गया है, सब कुछ जल्द जल्द, समय बहुत कम है, बहुत कम समय है सब कुछ के. सो इन दैट सिचुएशन, इन दैट एनवायरनमेंट, शॉर्ट फिल्म इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग टू बी मेकिंग, बिकॉज यू कैन सी अ लॉट. What is beautiful about this is they all had a lot of things to see. So it's a very important medium and I think it should get a lot more exposure. Ma'am, near 40 lakhs of people are listening to you on Friends FM right now. I'm getting very nervous. जो budding जो directors हैं, जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कोलकाता आपको पता ही है यहाँ पे इतना के बारे में पागल हैं. जी, तो कुछ उन सभी के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से कि आपके अंदर जो कहानी है आप बस लिख जाइए, लिख जाइए और बना दीजिए. और अगर उसमें रियली दम है, जैसे यहाँ पहुँच गई, वो अपने करेक्ट जगह पर पहुँच जाए. थैंक यू. कहानी बताना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट कहानी. यही एक शीशा है वो सब दिखाता है हमारे सामने आसपास क्या है. इसलिए क्रिएटिव वर्क इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. आई थिंक बंगाल में तो ये बहुत लोग समझ गए हैं इसका इसका महत्व क्या है क्रिएटिव वर्क का, इंक्लूडिंग सिनेमा एंड फिल्म एंड प्लेज एंड बुक्स. यहाँ आप लोग समझ रहे हैं इसका महत्व, और ये हम लोगों को खोना नहीं चाहिए. आज के माहौल में ज़रूरी है इसको पकड़ के रखना. बिल्कुल सही.